नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। इस फौजी को सुना आपने, खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि मरते दम तक हम इनके साथ रहेंगे, मरते दम तक हम राहुल गांधी को बचाने के लिए सड़कों पे आते रहेंगे। जो हो रहा है कोर्ट का मसला, ये कोर्ट में है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में जिस तरीके से फौजी राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं, क्या ये कुछ हो पाएगा? सबसे पहले तो देख लीजिए बुपरा क्या कुछ कह रहा है। इनको ये नहीं मालूम कि हमारे नेता राहुल गांधी जी शेर हैं, शेरों की तरह लड़ते हैं, सच्चे हैं, स्पष्ट हैं, साफ बात करते हैं, जुमलों की राजनीति नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। गारंटी 4 या 5 या 6 गारंटी अलग अलग स्टेट में उनके मुद्दों के हिसाब से देते हैं और उसको पूरा करते हैं। आज आप ये देख रहे हैं देश में जो पूर्व सैनिक हैं और जो हमारे साथ जो आए हैं, एयर मार्शल साहब, हमारे जल साहब, जल श्रीवास्तव साहब, और ये मध्य प्रदेश की, यूपी की, दिल्ली की ये जो टीम आई हुई है, ये आज इस पावन दिन पर जो हमारे लिए एक सैनिक के लिए गर्व की बात है, जिस दिन हमें लड़ाई करने का मौका मिलता है तो हम अपनी छाती का गोली लेने को तैयार रहते हैं। तो आज वही दिन आया है। राहुल जी, आपकी लड़ाई सड़क पर हम लड़ेंगे, लीगल बैटल जो आपकी चल रही है वो लीगल बैटल चलाएं, लेकिन सड़कों पर पूर्व सैनिक आपका साथ देकर, सैनिक समाज आपका साथ देकर, हमारे 1 करोड़ सैनिक और पूर्व सैनिकों के परिवार आपका साथ देकर आपकी लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे और 2024 में इस मगरूर सत्ता को सत्ता से बेदखल करेंगे। देखा आपने, अब वो कह रहा है राहुल गांधी को बचाने के लिए, उनकी सदस्यता वापसी करवाने के लिए और 2024 में उनको पीएम बनाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा एक्चुअल में होगा? नहीं होगा दर्शकों। अच्छी बात है कि लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं तमाम चीज़ें, लेकिन जिस तरीके का कानून इस वक्त देश में काम कर रहा है, जिस तरीके से एक तरफा काम हो रहा है, जिस तरीके से लोगों को चुन चुन कर जेल के पीछे भेजा जा रहा है, इसे साफ पता चल रहा है कि दोहरा रवैया चल रहा है, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें होते नज़र आ रही हैं। रानी का मसला हो, ये तमाम मसलों पे जो राहुल गांधी ने सवाल पूछा वो तो गलत नहीं था। संसद में सवाल ना पूछा जाए, ना बोला जाए, इस वजह से दरअसल ये तमाम चीज़ें की गई, ये एक उनका आरोप है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या राहुल गांधी ही क्या करेंगे, क्या वो बच पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्या वो जेल जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सजा तो हो चुकी है। अब पहले जमानत के लिए कोर्ट जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद तमाम चीज़ होंगी। कपिल सिब्बल भी इस पर बोलते नजर आए थे कि राहुल गांधी बच सकते हैं जब वो कोर्ट जाएंगे तब। इस मसले पे आपके क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। देश दुनिया के बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट नाइन न्यूज़। नमस्कार।